नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के 1,80,000 से नीचे की आय के परिवारों के एक वर्ष में प्रारंभिक मेडिकल चिकित्सा जांच करवाई जाएगी ताकि प्रारंभिक समय में ही बीमारी का पता चल सके और बीमारी बढ़ने से उस पहले उसका इलाज भी करवाया जा सके। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में गुरुदेव सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कही। ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद और जैन समाज की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि जैन समाज और भारत विकास परिषद की ओर से किए गए सामाजिक कार्यों से प्रेरणा मिलती है। प्रदेश सरकार की ओर से इन्हीं सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पिछले 8 वर्षों में दिव्यांगजनों को करीब 8 करोड़ रुपए के कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए हैं। यही नहीं, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को 44 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इसका बजट भी बढ़ाया गया है। सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए रेडक्रॉस की ओर से चलाए जा रहे 15 केंद्रों को भी ले लिया गया है और उनका सारा खर्च सरकार उठा रही है। सरकार ने 45 बाल आश्रम अनाथालय भी चलाए हैं जिनमें अनाथ बच्चों के लिए 18 वर्ष तक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, 18 से 25 वर्ष तक भी उनकी आगे की शिक्षा और पूरा खर्च सरकार वहन करती है। सरकार ने हरिहर योजना के तहत अनाथ लड़कियों और लड़कियों के लिए ग्रुप सी और डी में नौकरी का प्रावधान करके उनके रहने के लिए मकान और शादी का खर्च भी देने का प्रावधान किया है। प्रदेश की दिव्यांग खिलाड़ी दीपा मलिक सभी दिव्यांगजनों के लिए प्रेरक है जिन्होंने पैरालंपिक में प्रदेश को पदक दिलवाया। पानीपत से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। आज एक मिला जुला कार्यक्रम और उसमें भी जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए जो कृत्रिम अंग वितरण का एक कार्यक्रम किया गया है, मैं वास्तव में इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूं क्योंकि समाज सेवा के इस प्रकार के काम यदि संस्थाएं आकर के करती हैं तो हमारे जो देश भर में करोड़ों बंधु ऐसे हैं जिनकी ये सब आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करते रहेंगे तो इसके लिए उनको भी मुख्य धारा में आकर के जीवन जीने का अवसर मिलेगा। सर, प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर किसान नाराज है, खरीद नहीं हो रही, तो उस पर क्या कहना सर? देखिए, अभी तो गेहूं चूँकि वर्षा के कारण से और ओलावृष्टि के कारण से काफ़ी ख़राब हुआ था, उसके बाद उसकी पकाई भी जो है वो देरी से हुई है। वास्तव में तो हम तो 25 तारीख से खरीद करने के लिए तैयार हैं लेकिन आज तक भी गेहूं अभी पूरा आ नहीं रहा। जो आ भी रहा है उसमें भी नमी ज़्यादा है और नमी वाला गेहूं खरीदना यानी आगे चल करके उस गेहूं को ख़राब करने वाली बात है। तो एक पैरामीटर्स हैं गेहूं के बने हुए, उसमें नमी तो जैसे तय किया है वैसे ही होगी लेकिन हाँ, उसमें जो लस्टर लॉस है या उसके अंदर जो ब्रोकन जो दाना होता है उसका, उसमें छूट दी गई है और उसके हिसाब से अब खरीदा जा रहा है। कहीं कोई कठिनाई नहीं आ रही है। अभी तो 2 दिन हुए गेहूं को आते हुए, कहीं भी मंडियों में ज़्यादा गेहूं नहीं आया है लेकिन जहाँ जहाँ आ गया है वो उसको मॉइस्चर को चेक करके उसको सब खरीदा जा रहा है, कठिनाई नहीं। गिरदावरी को लेकर क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से फसलें खराब थी उसको लेकर क्या है? गिरदावरी के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे, बाद में फिर उसके बाद भी वर्षा हो गई और बहुत सी फसल का नुकसान हुआ है, कुछ फसल बिछ भी गई है। मैं स्वयं भी खेतों में जा करके उसका निरीक्षण करके आया हूँ लेकिन गिरदावरी के लिए स्पेशल हमने अरेंजमेंट भी किए हैं ताकि अब समय बहुत कम बचा है तो जिनकी फसल खराब हुई है वहाँ स्पेशल कुछ कंप्यूटर ट्रेंड ऐसे गांव के ही बच्चों को हायर करके और एक 500-500 का एकड़ का एक एरिया बना करके अगले 2 दिन में जहाँ कहीं गिरदावरी की कमी रह गई है या जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन क्षतिपूर्ति में नहीं हुआ है वहाँ तहसीलदारों को हमने ऑथोराइज़ किया है कि जल्दी से जल्दी 2 दिन में 3 दिन में उसकी रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के फसल को अगर लाते हैं तो बाद में ये कठिनाई आएगी, इसलिए अगर किसी को लगता है कि मेरी गेहूँ एकदम पकी हुई है और उसकी उसका निरीक्षण नहीं हुआ तहसीलदार के द्वारा तो तहसीलदार को कह के प्रायोरिटी से वो करवा लें और जिनकी अभी समय है वो 2 दिन बाद भी हो जाएगा लेकिन जिसकी फसल एकदम पकी है उसको निरीक्षण उसका करा करके गिरदावरी का सारा प्रोसेस और उसको मंडी में ला सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।